द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड मूवी में से एक है। इस मूवी की अगर बात करें, इस मूवी के जो करेक्टर हैं लीड रोल या साइड रोल में, वो 1979 में आई हुई मूवी मौला जट की है। इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ करेक्टर वहाँ से लिए गए हैं और इन करेक्टर की ही वजह से इस मूवी की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जिसकी वजह से मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी। लेकिन ये सारा मामला भी सॉल्व हो चुका था। तो ये मूवी रिलीज़ क्यों नहीं की जा रही, डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यह मूवी 2013 में अनाउंस हुई थी, उसके बाद मूवी की स्क्रिप्ट पर काम किया गया था। एक दो साल बाद मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई और इस मूवी का ट्रेलर जो आया था, पहला टीज़र ट्रेलर, मुकम्मल ट्रेलर भी नहीं था, लेकिन वो मूवी का सिर्फ एक फर्स्ट लुक टीज़र ट्रेलर था, वो 21 दिसंबर 2018 को आ गया था। और आते साथ उसने सारे रिकॉर्ड बना दिए और उसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, खासकर ओवरसीज़ में और ख़ासकर इंडिया के से। इंडिया के बड़े बड़े डायरेक्टर वगैरह ने भी उस मूवी को अप्रिशिएट किया था, इस मूवी के ट्रेलर को। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। अगर मूवी 2019 में आ जाती तो मूवी पाकिस्तान की पहली 100 करोड़ वाली मूवी बन जानी थी। तो ये मूवी रिलीज़ क्यों नहीं हुई, उस मूवी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हो गई उसके ओरिजिनल क्रिएटर के साथ कि हमारे क्रिएटर उठाए गए हैं। लेकिन बाद में ये सोल्व भी हो गई थी, लेकिन आपको पता है 2020 में वापस कोरोना आ गया, मूवी 2020 में रिलीज़ होनी थी लेकिन फिर भी रिलीज़ ना हो सकी। फिर 2021 में सिनेमा की वजह से सिनेमा मुकम्मल ओपन नहीं थे। आपको पता है जो मूवीज 2021 में आई थी वो ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं कर पा रही थी। एक स्पाइडरमैन नो वे होम की वजह से कोई भी मूवी अच्छा कलेक्शन नहीं किया। लेकिन ये मूवी एक पाकिस्तान की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी और हाई बजट मूवी है। इस मूवी को एक डेट चाहिए, साथ साथ इस मूवी को कोई हॉलीडे वाली डेट चाहिए, क्योंकि इस मूवी का बजट बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में बजट रिकवर करना मुश्किल हो चुका है। और इस मूवी का बजट भी लो नहीं है, एक लो बजट मूवी होती तो काम चल जाता 900 करोड़ पे, लेकिन इसका बजट बहुत ज़्यादा है। तो बात करें इस मूवी, फवाद खान ने इस मूवी की शूटिंग करने के बाद दो मूवी और भी शूट कर ली थी, नीलोफर और मनी बैग गारंटी। उन दोनों ही मूवी की शूटिंग भी एंड हो चुकी है, प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक के नीलोफर में जो लीड पेयर है फवाद खान और माहिरा खान का है, जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में भी सेम है, मतलब कि सेम स्टार कास्ट नीलोफर मूवी में भी है। उसके बाद मनी बैग गारंटी भी एक मल्टी स्टारर मूवी है, जो कि बड़े बजट की मूवी है। उसमें आपको कम से कम 10 से 12 लीड रोल में ही नजर आएंगे, मतलब काफ़ी बड़े बजट की मूवी है मनी बैग गारंटी। और नीलोफर को मेकर्स कंफर्म कर रहे हैं हम 2022 में ही रिलीज़ करेंगे, और वो उस मूवी को टारगेट कर रहे हैं दिसंबर में, क्रिसमस में। लेकिन मूवी चेंज भी हो सकती है, लेकिन 2022 में कंफर्म है नीलोफर मूवी आनी है। उसके बाद मनी बैग गारंटी भी अराउंड कंफर्म ही है किसी साल आएगी, लेकिन आपको पता है वो मूवी अक्टूबर या सितंबर में प्लेस करेगी। मूवी अभी एक तक कंफर्म नहीं है दोनों ही मूवीज़ की डेट, लेकिन इतना कंफर्म है दोनों ही मूवीज़ इसी साल आएंगी। तो फवाद खान की तीसरी मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट इस साल रिलीज़ होने के चांसेस कम हो चुके हैं, क्योंकि इन दोनों ही मूवीज़ अगर इस साल आई तो ये मूवी नहीं आएगी। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है अगर मनी बैग गारंटी अगले साल शिफ्ट हुई तो ये मूवी इस साल आएगी, तो क्योंकि इस मूवी का जो कॉन्ट्रोवर्सी थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब ये एक अच्छी डेट देख रहे हैं, कोई क्लैश भी ना हो, अगर क्लैश हुआ भी तो नुकसान तो हालांकि दूसरी मूवी को होगा, लेकिन ये देख रहे हैं इस मूवी को शोज़ अच्छे मिलें, शोज़ मुकम्मल मिलें, क्योंकि इस मूवी के शोज़ तो हाउसफुल जाएंगे ही जाएंगे। तो इस मूवी के ये सारे मसले थे। अगर नीलोफर मूवी तो कन्फर्म है अराउंड इस साल आएगी, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि उस मूवी में भी लीड पेयर सेम है, इसमें भी सेम है, तो वो क्लैश तो नहीं करेंगे, रिलीज डेट चेंज ज़रूर कर लेंगे। इस मूवी के चांसेस इस साल के एंड तक तो हैं, लेकिन अगर एक मंथ या एक डेढ़ मंथ तक कन्फर्म ना हुआ तो ये मूवी अगले साल आपको पक्का देखने को मिलेगी किसी इवेंट के दौरान। तो बात करें इसके बजट की, तो आपको पता है बजट पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बजट इसी मूवी का अब तक जितनी भी मूवीज़ आई हैं। इस कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट 40 करोड़ से ज़्यादा का है, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट 50 करोड़ से ज़्यादा का है, मतलब कि अराउंड 70 करोड़ तक का बजट भी बताया गया है। लेकिन 70 करोड़ वाली बात अभी तक कन्फर्म नहीं है। इस मूवी का बजट अराउंड हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सोर्स के अकॉर्डिंग 40 से 50 करोड़ के अंदर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेलर के बाद इसमें कोई प्रमोशन भी स्टार्ट होनी है, तो प्रमोशन बजट अभी पता नहीं कितना होगा इस मूवी का। तो इस मूवी को एक अच्छी डेट की ज़रूरत है। उसके बाद गौहर रशीद ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी कन्फर्म किया है, आपको एक जल्दी गुंडूज मिलेगी मौला जट के रिलीज डेट के बारे में। तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, इस साल दो फवाद खान की मूवीज़ आएंगी, जिनमें से आपको बता नीलोफर, मनी बैग गारंटी और द लेजेंड ऑफ मौला जट। इन तीन मूवी में से दो मूवी आपको इसी साल देखने को मिलेंगी फवाद खान की। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इन तीन मूवीज़ में से दो मूवीज़ कौन सी आप देखने जाते हैं इस साल। अगर कोई भी मूवी आगे पीछे होती है तो द लेजेंड ऑफ मौला जट इस साल पक्का रिलीज़ कर दी जाएगी, लेकिन अगर वो दोनों ही मूवीज़ इसी साल आएंगी नीलोफर और मनी बैग गारंटी, तो द लेजेंड ऑफ मौला जट का पक्का नहीं आप कह सकते कि वो इसी साल रिलीज़ की जाएगी। तो आपकी सजेशन क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।